हाय गाइस, हम दोनों जा रहे हैं हमारे दोस्त के घर। उसके घर मैंने नहीं देखा है पर इसने देखा है। उस दिन मैंने ब्लॉग बनाया था, उसे लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। और मैं इतना बोलती हूँ कि आपको मालूम होगा, सुनकर भी पता चलेगा। और मुझे हिंदी तो नहीं आता है, उस दिन बोला था मैंने मुझे हिंदी नहीं आता है, फिर भी थोड़ा थोड़ा कोशिश करके आप लोग को सुना दूँ बात करके बोलकर। मैं बोलती हूँ जितना बोलती हूँ उसमें उतना ठीक है मेरे लिए। और आप लोग नहीं समझ में नहीं आया तो भी चलेगा, कमेंट कर दीजिएगा। नहीं हुआ तो ऐसा बोलते हैं, इसको ऐसा बोलते हैं बोलकर कमेंट कर दीजिएगा। तब मुझे पता चलेगा कि क्या कहते हैं क्या कहते हैं। और इतना धूप है मुझे इतना गर्म हो रहा है। और देख सकते हो हमें से हो चुके हैं। और मैंने चश्मा लगाया है पर मेरी आइज का प्रॉब्लम नहीं है। इस हम धूप में पानी हो चुके हैं। मारो इसको। ये मेरे दोस्त बोली थी मैंने साइकिल लेके आना, साइकिल से जाएंगे, लेकिन नहीं, इनको तो पैदल जाना था। हाँ, मुझे पैदल मुझे ब्लॉग बनाना था इसलिए मैंने पैदल जाना है बोल दिया था मैंने। इतना मैं उसको बड़ा हरामी हो बेटा। ना बिगाड़ नहीं ले रही हो। गाइस, यहाँ पे एक मंदिर है, उसको कहते हैं काली मंदिर, यहाँ सामने है। चलो मैं उसको दिखा देती हूँ आप लोग को। गाइस, यही है काली मंदिर, यहाँ पे छठ पूजा होता है। और वो दुकान है, ये गार है गाइस। और एक मंदिर आ चुके हैं हम, पर वो मंदिर नहीं है, वो नामघर है। पर अरे कहना क्या चाहते हो गाइस, ये बोल रही थी ना उसको ठगे से बात करना है। हमें नेपाली में ना ठगे सगे कति हुन्छ नि त नाम गाइस। यहाँनिर अब मोनिकालाई मोनिके भन्छन्, अन्त देवलाई देवे भन्छन्, त्यस्तो टाइपको कति नाम राख्छन् आफै हामीका नेपाली मान्छेहरू। सबै थुक चेन्ज हुन्छ, खोइ के हो त्यस्तो। अनि यो चाहिँ देवे के अरे कसँग अरे ठगे एकसँग भेट गर्न हिँड्ने कस्तो फाल्टु छ यो। होइन गाइस, यस्तो चाहिँ मेरो कोही थिएन। त बोयफ्रेन्ड छैन, यो त हिँडेँ कि ब्लग बनाउनु गाइस। मैले कहाँबाट टेको घाममा के यस्तो घाममा चाहिँ मैले यसलाई लिएर हिँडेँ कि हो, साथी घर पनि देखेको थिएन र साथी घर लिएर हिँडेँ कि हो। अनि अहिले यो भन्दैछ बोयफ्रेन्डसँग भने एकै बेला लाति हान पाइन्छ मलाई। समझ रह्यो गाइस। एउटा कुरो थाहा छ होला तपाईँलाई, हामी जहिले घुम्न जान्छौँ त्यहीले हामीले कहिले लुगा चाहिँ भेट्दैनौँ। तर लुगा चाहिँ हुन्छन्, तर लुगा चाहिँ कहिले मतलब देख्छौँ अरू दिन। तर जब हामी कहीँ घुम्न जान्छौँ तर एउटा लुगा पनि देख्दैनौँ। हामीको त्यही गर्ल्स प्रब्लम त्यही हो। बट हामी जान चाहिँ रेडी हुन्छौँ, तर कारण हुन्छ हामी नजाने, त्यही हुन्छ कारण चाहिँ लुगा नभएर लुगा भएको मेरो। हामी चाहिँ जब पनि हामी जान अब जान्छु भन्ने हामी यस्तो हौँ के। अनि अब हामी गाउँमा हिँडेका, गाउँमा हुँदाखेरि मैले त अब यस्तो गोचेसमा लगाएर अनि लुगा लगाएर हिँड्दा चाहिँ मान्छेहरूले पनि हेर्छ नि त, के भन्छन् उनीहरूले, कति राम्रोबाट हिँडेर चाहिँ भनेर। तर के जान्दछन् उनीहरूले होइन। गाइस, यहाँ पे कुत्ता है, मुझे कुत्ता से बहुत डर लगता है। गाइस मैं क्या करूँ। गाइस कुत्ते, दो कुत्ते हैं यहाँ पे, देख सकते हो आ रहा है एक कुत्ता तो मेरे पीछे पीछे, मुझे बहुत डर लग रहा है। पर मुझे क्या करूँ, कुत्ता रुको जरा सबर करो। ओ यार, हाम्रो मुख कति कालो आउँदैछ गाइस। हेर्नु न अहिले मलाई कुदा कुदाइछ, तर एउटा साथीहरू घर आइपुग्यो, अब अर्को साथी घर जाँदैछौँ, तर खोइ आइपुग्यो मात्रै भन्छ जतिर पनि त हुदिस भन्छ गाइस। हामी फाइनली यसको घरमा आइसक्यौँ, तर अहिले मुख देखाएको छैन, यस्तो लजाएको छ। हेरौँ न मुख खेप, हेरौँ। फाइनली हामीको सफर खतम भयो, हामी घर आइपुग्यौँ मेरो साथी घर। अनि लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु।